हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2020 के संबंध में। आप लोगों जो आरटीआई लगाया था, उस एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, लेकिन दोस्तों वो भी निराशाजनक आया है। फ्रेंड्स को पता होगा, आपका जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी। बहुत से कैंडिडेट का कहना था कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, मैंने पेपर अच्छा दिया है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं आया। बिहार पुलिस के एग्जाम में कोई गड़बड़ हुई है, बहुत ज़्यादा करप्शन चला है। तो इसी के चलते बहुत से कैंडिडेट ने आरटीआई लगवाया था और पूछा था मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, एंड इसके साथ साथ हमारा कट ऑफ किया गया है कैटेगरी वाइज। इसके साथ साथ पूछा था कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसी के चलते हम लोगों ने करीबन आरटीआई लगाया था, 1 मंथ से ज़्यादा होने को जा रहा है, करीबन 45 या 50 डेज के समथिंग हो गया होगा। दोस्तों, आपके आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इससे प्रमाणित हो जाता है कि आपके यहाँ का जो प्रशासन है वो खुद नहीं चाहता कि यह बात ओपन हो। जी दोस्तों, यदि आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कि आपके मार्क्स आए हैं तो कितने, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस कारणवश नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसी के चलते ऐसा लगता है कि आपके जो आरटीआई है इस पर रोक लगा दी है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसका आरटीआई का रिप्लाई आया हो। चलिए मैं आपको खुद दिखाता हूं आपका स्टेटस। लेकिन फ्रेंड्स, एक और मैंने आरटीआई लगाया, चूंकि आपको पता होगा कि सेंट्रल लेवल की आरटीआई अलग होती है और स्टेट लेवल की आरटीआई अलग होती है। आपके जो स्टेट लेवल के मतलब की राज्य स्तरीय मैटर होते हैं वो राज्य में लगाए जाते हैं, इन सभी का ऑप्शन केंद्र की जो आरटीआई होती है वहां पर नहीं होता। लेकिन आपकी जो आरटीआई है वो ना आने की वजह से मैंने आपका जो केंद्र में भी लगा दिया था, हालांकि ऑप्शन शो नहीं होता वहां पर आपके डिपार्टमेंट का, फिर भी मैंने एक अलग डिपार्टमेंट को आरटीआई लगाया था। अब वहां से भी रिप्लाई आ गया है, तो दोस्तों उस रिप्लाई में क्या बोला है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन को। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आपकी अधिक से अधिक हेल्प हो। तो दोस्तों, आप आ गए हैं अगली स्लाइड में और देख सकते हैं सबसे पहले मैंने आरटीआई किसका लगाया था, रमेश सिंह का। तो दोस्तों, इनका आरटीआई करीबन लग गया था 6 तारीख के समथिंग। जी दोस्तों, 6 मतलब कि 6वें महीने के समथिंग इनका आरटीआई लग गया था। आप दोस्तों चलिए देखते हैं इनका स्टेटस कि आखिरकार इनका आरटीआई क्या आया है क्या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं क्या यहां पर इनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था सक्सेसफुल होने के बाद, VI 2020-54113। चलिए हम देखते हैं इनकी आरटीआई का रिप्लाई आया है कि नहीं, स्टेटस को चेक करते हैं। और हाँ जी डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, चूंकि कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए मैं हर एक का यहाँ पर स्टेटस चेक नहीं कर सकता। आप अपने स्टेटस खुद चेक कर लें, क्योंकि मैंने आपको हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ था। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ रमेश जी का आरटीआई का दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इनका एक जगह नहीं दो दो जगह लगाया है। ए है इनका स्टेट लेवल का, अभी मैं बताऊंगा सेंट्रल लेवल में जब मैंने इनका आरटीआई फिल किया तो वहां पर क्या रिप्लाई आया है। यहाँ पर तो आरटीआई का रिप्लाई दे ही नहीं रहे, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आपके यहाँ पर कितना अन्याय होता है बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ। फ्रेंड्स को बता दें, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे, और जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या आपका डालना होगा, क्या एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ था। चलिए हमने यहाँ पर डाल लिया VI 2020-54113 और हम क्लिक करते हैं किस पर, खोजे पर। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर दिख रहा होगा इनका विवरण। अब दोस्तों आप अपनी आंख से देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है। यहाँ पर आवेदक की संख्या शो हो रही है, आवेदन की तिथि इनको शो हो रही है 11/6/2020, मतलब कि 11 को तो एक महीना हो गया 7 को, और इस 11 को हो जाएंगे 2 महीने। अभी तक इनकी आरटीआई का कोई अता पता नहीं है। इससे पता चलता है कि बिहार में कितना करप्शन चलता है। दोस्तों छात्रों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है, इतना अन्याय कहीं पर मैंने नहीं देखा जितना कि बिहार स्टेट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर कम से कम आरटीआई का रिप्लाई तो देना चाहिए, भले ही कैसा भी आए कि आपका हम मार्क्स नहीं बता सकते किसी रीजन बस या कुछ आए, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि आरटीआई का रिप्लाई ही नहीं देते। अब दोस्तों जब ऐसा नहीं देते तो ये तो कानून का उल्लंघन है, साफ साफ आप देख सकते हैं।
जब ऐसा कानून है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरटीआई का रिप्लाई देना चाहिए, और यदि आप आरटीआई का रिप्लाई नहीं देते ना ही कोई कारण बताते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कानून का उल्लंघन किया जाता है और यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ साफ साफ अन्याय किया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसीलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरी समझ से कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यदि यहाँ पर रिप्लाई आता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर अच्छे से अच्छे लोग फंसेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पूछा गया था, सर टेल मी हाउ मैनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माई रिटर्न एग्जाम, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसको ओपन करोगे तो सब पता चल जाएगा। और आप इनकी स्थिति देखेंगे तो दोस्तों अभी भी पेंडिंग आ रहा है, डिपार्टमेंट के द्वारा पेंडिंग चल रहा है। अब पेंडिंग क्या दोस्तों, 2 महीने हो गए तो आप तो आना ही नहीं, आप भूल जाइए कि आपकी आईटीआई का रिप्लाई आएगा। दोस्तों ना कि सिर्फ यहाँ पर रमेश जी का, मतलब कि जो रमेश भाई हैं इनका, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने आरटीआई फिल करवाया था, लगाया था, किसी एक का रिप्लाई नहीं आया। जी दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट का रिप्लाई नहीं दिया गया आपके यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है साफ साफ। अब मैंने सोचा यदि यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो हमको सेंट्रल लेवल में लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर जो स्टेट लेवल की आपकी जॉब थी ना कि सेंट्रल लेवल की, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं रहता सेंट्रल लेवल में लगाने के लिए कि आप किसी भी स्टेट बेसिस को चूज करें और वहाँ के डिपार्टमेंट, मतलब कि आपका जे वाला डिपार्टमेंट पुलिस का, वहाँ पर शो ही नहीं होता जो आपकी रिक्वायरमेंट करता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश अपनी की और एक डिपार्टमेंट को आपकी आईटीआई डाली। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ वहाँ से कैसा रिप्लाई आया। हालांकि दोस्तों सेंट्रल लेवल का रिप्लाई आता है 30 डेज के अंदर ही आता है, चूंकि वहाँ पर हर एक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, ना कि स्टेट लेवल जैसा कि आरटीआई लगा दो बस फिर रिप्लाई आए ना आए कोई मतलब नहीं, चाहे फिर साल हो जाए 6 महीना हो जाए, ऐसा फर्जीवाड़ा वहाँ पर नहीं चलता। चलिए मैंने रमेश जी का वहाँ पर आरटीआई लगाया था तो उसका रिप्लाई क्या आया है मैं आपको वो चेक कराता हूँ। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने जब सेंट्रल लेवल को आरटीआई लगाया, चूंकि आपका वहाँ पर डिपार्टमेंट शो नहीं होता तो मेरे को ऐसा मैटर लिखना पड़ा। और आप लोगों की जो सारी प्रॉब्लम्स है, जो जो कुछ मैंने यहाँ पर पूछा था और जैसे अपने साथ यहाँ पर हुआ स्टेट लेवल में, वैसा मैंने यहाँ पर इनको बताया। क्या बताया जरा आप थोड़ा देखिए, 1 मिनट वीडियो लंबी जाएगी बट आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आरटीआई लगाने का कोई मतलब नहीं है और अब आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी चाहिए आपके नेक्स्ट एग्जाम की। यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला आपका, क्योंकि ऐसे हालात आपके बयां कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिगार्डिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020, हेल्प अस सर, मतलब कि हमारी मदद कीजिए इसके संबंध में। दिस इज माई आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर BR 2020 54133 तो दोस्तों 13 है 33 लिख गया, चलिए ठीक है। बी यहाँ पर अप्लाई आरटीआई ऑन दिस साइड 30 डेज एगो बट वी हैव डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई www.bihar.gov.in। मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला है सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैंने करीबन 30 दिन पहले यहाँ पर अप्लाई किया था आरटीआई के लिए, लेकिन मेरी आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया। ये वो साइड है जो कि मैंने बताया बिहार गवर्नमेंट की साइड है। सर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर वेरी डिस्टर्बड बिकॉज वी आर नॉट टोल्ड द नंबर्स ऑफ योर पेपर्स। यहाँ पर बोला गया आवर पेपर्स, दीज आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हेयर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला था कि सर जो बिहार के सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी वजह है क्या ना तो उनके उनको नंबर पता चल पा रहे हैं और यहाँ के जो एग्जाम हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि फ्रॉड हुआ है, फिर भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया गया। एंड इसके साथ साथ बोला गया क्या, यहाँ पे बोला है इफ दिस डज नॉट वर्क इन योर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला यदि आपके डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है तो आप यहाँ पर इसको सही डिपार्टमेंट तक पहुँचा दे, चूंकि मेरे को पता था जब मैं ऐसे डिपार्टमेंट को आरटीआई लगा रहा हूँ जहाँ के संबंध में आता ही नहीं है, चूंकि वहाँ पर सो ही नहीं होता दोस्तों, तो मेरे को इस डिपार्टमेंट को आरटीआई देनी पड़ी। आप समझ रहे हैं ना, मैंने सेंट्रल लेवल में आरटीआई लगाया, वहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट शो ही नहीं होता जहाँ पर पुलिस वैकेंसी का, मतलब कि आपको रिप्लाई दिया जाए। मैंने लगाया था दोस्तों आईआईटी डिपार्टमेंट को, मतलब कि बिहार का जो आईआईटी पटना है उस डिपार्टमेंट को आरटीआई लगाया था जहाँ पर ये आपका मैटर नहीं आता।
तो मैंने इसलिए डाल दिया था ताकि आपके डिपार्टमेंट में यदि नहीं आता तो आप इसको अग्रेसित कर दें, प्रेस आगे बढ़ा दें इसके डिपार्टमेंट तक, ऐसा मैंने यहाँ पर बोला था। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बी सर्टेड द CVS, यहाँ पे बोला CSBC डिपार्टमेंट बट बी कुड नॉट फाइंड। मैंने यहाँ पर CSBC डिपार्टमेंट सर्च किया था बट आपकी यहाँ पर कहीं पर मेरे को नहीं दिखा, इसलिए मैंने इस डिपार्टमेंट में ITI डाली। अब दोस्तों इतना कुछ समझाने के बाद भी इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। मैंने इनको ITI फिल करते वक्त बोला था कि सर आपके डिपार्टमेंट में यदि ये नहीं आता तो आप प्लीज़ डिपार्टमेंट तक इसको पहुँचाएं, CSBC डिपार्टमेंट तक इस चीज़ को पहुँचाइए, लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो अपने सारे क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर रखे हैं, प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। क्या सर, गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20, मतलब कि मेरे नंबर कितने आए हैं बिहार पुलिस लिखित एग्जाम 2019-20 में, वो बताइए। सेकंड सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सर हमारे जो यहाँ पर बिहार पुलिस लिखित एग्जाम हुआ है इसमें प्रत्येक कैटेगरी का कट ऑफ कितने गया है वो बताइए। और थर्ड, जैसे कि आपको पता होगा हमारा क्वेश्चन रहता है सर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट बाय माई सिलेक्शन वॉज नॉट डन इन बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20, हेयर इज माई इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सर मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ बिहार पुलिस के लिखित एग्जाम 2019-20 में, इसका कारण बताइए। यहाँ पर रमेश सिंह बोला था, रोल नंबर दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, ये सारी चीजें मैंने आपका जो RTI सेंट्रल लेवल का है उसमें फिल की थी। आप चलिए वहां से कैसा रिप्लाई मिला है, चूंकि यहाँ का नियम है 30 डेज के अंदर RTI का रिप्लाई आ जाता है, तो दोस्तों रिप्लाई आया है और वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, RTI ऑनलाइन साइट है जो कि सेंट्रल लेवल की है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इनका जो जनरेट हुआ था और यहाँ पर नेम है इनका रमेश सिंह, जैसे कि आपको मैंने बताया रमेश जी का ही सिर्फ मैंने लगाया था ताकि हमको पता चल सके, कहीं से तो चले कुछ पता तो चले। और इनका डेट था क्या, 13/7/2020 को मैंने इनका ITI लगाया था और बाकायदा इनका ITI का रिप्लाई आया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनके ITI का रिप्लाई, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख लें स्टेटस में, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, मतलब कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जी दोस्तों, अब रिजेक्ट में क्या कारण दिया है चलिए वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर सेंट्रल लेवल की ITI में आप लोगों का जो CSBC है इसका डिपार्टमेंट शो नहीं होता, तो दोस्तों हमने यहाँ पर लगाया था IIT पटना को। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा मैटर आपके समक्ष दिख रहा है, यहाँ पर फेंक जैसा कुछ है नहीं, ओरिजिनल है। ओके, आप भी चाहें तो आप नंबर को सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने ITI लगाया है, इन्होंने बोला है, आप देख सकते हैं क्या बोला है, सब्जेक्ट ITI एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर बोला है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यहाँ पे बोला गया है क्या, डियर मिस्टर सिंह, यहाँ पे विद रेफरेंस नंबर यूर ITI एप्लीकेशन जे दिया है डेटेड 13/7/2020, प्लीज फाइंड इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ITI पटना, यहाँ पे बोला है पॉइंट नंबर वन जो हमने क्वेश्चन रखा था नॉट रिलेटेड टू IIT पटना। तो दोस्तों यही हमने बोला था कि आपके यदि डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है तो आप सही डिपार्टमेंट तक इस चीज को पहुंचाए, लेकिन इन्होंने बोला है नॉट रिलेटेड टू IIT पटना। सेकंड बोला है नॉट रिलेटेड टू IIT पटना। थर्ड बोला है नॉट रिलेटेड टू IIT पटना, मतलब कि एक भी क्वेश्चन का, एक सिंगल क्वेश्चन का इन्होंने आंसर नहीं दिया। ऐसा तो ठीक है, अच्छी बात है आंसर नहीं दिया, लेकिन इनको अगले डिपार्टमेंट तक इस चीज को पहुंचा देना चाहिए था। मतलब ये है दोस्तों कहने का कि आप कहीं से भी कुछ कर लें आपको आपके ITI का रिप्लाई नहीं मिलने वाला, ना तो यहाँ से सेंट्रल से आपको कोई आशा है और ना ही है आपको क्या स्टेट से, स्टेट से तो बिल्कुल भी नहीं है, जरा सी नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको पता है 2 महीना से ज्यादा हो गए आपके ITI का कोई रिप्लाई नहीं आया। और यहाँ से एक आशा थी कि ये पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका जो ITI का रिप्लाई है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हर एक चीज को भूल कर आपके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें और जैसे भी जो भी हो सिलेक्शन पाएं, क्योंकि यहाँ का जो नियम है आपको उसी नियम को फॉलो करना होगा तभी आपको जॉब मिलने वाली है, वरना आपको पता होगा कि बिहार है, बिहार में क्या होता है बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फैसला लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।